हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ और आज का हमारा टॉपिक है क्राउन डेजी। ये एक बहुत ही सुंदर विंटर का फ्लावर है जिसको हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजीली सीड से ग्रो होता है। देखिए, इसमें दो कलर मेरे पास हैं, एक ये येलो और एक ये क्रीम कलर है जिसका कि बीच में येलोइश दिख रहा है और ये पूरा ही येलो है। फ्रेंड्स, ये विंटर का फ्लावर है। वैसे ये परमानेंट भी रह जाता है, इसको हम परमानेंट भी रख सकते हैं अगर थोड़ा सा केयर करें तो। ये विंटर में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और पेड़ भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। देखिए, देखने में इसके जो लीव्स हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। थोड़ा लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। देखिए कितना लंबा पेड़ है ये। तो आपको इसको लगाने के लिए थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे कि अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो एक ऐसे पॉट में लगाएं जिसमें कि आप दूसरा प्लांट भी लगा सकें। पीछे से इसको लगाएं और आगे से कोई दूसरा प्लांट लगा दें जो कि हाइट में ज़्यादा लंबा ना रहता हो, तो बहुत सुंदर भी लगेगा और आपके जगह भी कम घेरेंगे। दो प्लांट हो जाएंगे तो जगह भी कम घेरेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, सीड से ग्रो होता है। देखिए, इसके बाद ये सूख रहे हैं तो इसके बाद इसमें सीड बन जाएंगे जिनको कि हम कलेक्ट कर लेंगे और अगले साल के बाद अगले साल इनको फिर से पौधे बनाएंगे इनके। और जब ये सूख जाए अच्छे से तभी हम इसके सीड्स को कलेक्ट करेंगे। अच्छे से इसको पेड़ पर ही सूखने दीजिए। और मैं जैसे मैंने बताया कि ये विंटर का फ्लावर है, मैंने इसको अक्टूबर में लगाया है, अक्टूबर नवंबर में लगाया है। अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा विंटर में कोई भी प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। यहाँ पे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो यहाँ ज़्यादा सर्दी होती है, ज़्यादा सर्दी में भी पौधे सर्वाइव नहीं करते हैं। जो ओस गिरती है वो भी पौधों को नुकसान करती है। तो इसको मतलब नॉर्मल खाद चाहिए होती है। मैंने तो काऊ डंग दिया है और उसके बाद कुछ ऐसा दिया नहीं है। और काऊ डंग अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो इसकी पॉटिंग मिक्स वैसे ही बनाएं जैसे विंटर के फ्लावर की बनाते हैं हम लोग। 60% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट और 20% सैंड को मिलाइए। और ज़मीन में लगा रहे हैं तो मैंने लगाने से पहले इसमें नीचे काऊ डंग डाल दिया था, वही मैंने इसमें डाला है। और पानी की बात करें तो अभी इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देना पड़ रहा है। और ये सनलाइट का पौधा है। देखिए, सनलाइट हुई तो उसके बाद ये जैसे थोड़ा गर्मी का मौसम आया तभी ये खिलना शुरू हुए, तो इसका मतलब है कि ये सनलाइट में सर्वाइव करता है। इसको सनलाइट चाहिए कम से कम 6 घंटे 8 घंटे की धूप तो इसको चाहिए होती है। बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है और आपके घर में ये हमेशा भी बना रह सकता है। ये परमानेंट भी बन जाता है। इसमें फ्लावरिंग मैंने देखा है, मई जून में भी इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। और इसका क्राउन डेजी इसलिए बोला जाता है, मुझे लगता है कि ये इसके टॉप में फ्लावर आते हैं। देखिए, और ज़्यादा इसकी जो ब्रांचेज होती है वो कम आती हैं। देखिए, वैसे आ रही हैं पर ये इसकी ब्रांच में टॉप में ही फ्लावर आता है, इसलिए लगता है कि इसको क्राउन डेजी बोलते होंगे। नाम के अनुसार ये ठीक ही है, क्राउन डेजी है, अपना टॉप में ही क्राउन लेके आता है। देखिए, बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं और हमको भगवान को चढ़ाने को फ्लावर चाहिए होते हैं तो ये फ्लावर एवरग्रीन होते हैं, तो इनको हम अपने घर में उगा सकते हैं। बहुत इजी ग्रोइंग है, जैसे कि मैंने बताया विंटर का प्लांट है और सीड से ग्रो होता है। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। अभी गर्मी के टाइम पे पानी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, विंटर में इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ज़रूर इसको अपने घर में लाइए। और जो कीड़ा वीड़ा भी इसमें ऐसे नहीं लगता है जैसे हम फंगीसाइड बोलते हैं, वो भी कुछ इतना होता नहीं है, इसमें लगता नहीं है। तो जो नॉर्मल आप अपने पौधे में छिड़काव करते हैं वही छिड़काव इसमें भी करें और इतना कुछ स्पेशल डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपने घर में इसको ज़रूर ऐड करिएगा। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।